हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 का मैं सेकेंड पार्ट लेकर आपके समक्ष हूँ। और इसके पहले जो पार्ट वन दिया, उस पार्ट वन से मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप लोगों के द्वारा भी उसमें रिस्पांस मिला, बड़ी खुशी हुई, उसके लिए आपको धन्यवाद। ये सेकंड पार्ट दे रहा हूँ, ये भी प्री पॉइंट आप भी ऊपर ही है, टोटल प्री एग्ज़ाम को ही फोकस कर रहा हूँ। और आज सेकंड पार्ट में केवल चैप्टर 8 इस एक्ट का बचा था, वही सेकंड पार्ट में दे रहा हूँ। और चैप्टर 8 सेकंड पार्ट का सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसमें कि सेक्शन 25 से 60 तक हैं, इतने सारे सेक्शन हैं। और इतने सारे सेक्शंस में से मैं फिर से कहूँगा, सारे सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। ये जो अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है, इसका एक्ट नंबर 11 है, 11। तो इसका एक्ट नंबर 11 है, कभी कभी एक्ट नंबर भी पूछ लिया जाता है कुछ एक्टों का, तो ये एक्ट नंबर 11 है, इसको आप याद रखिएगा 1973 का। और अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 25 से चैप्टर 8। तो सेक्शन 25 में पावर टू एंट्री की बात कही गई है। पावर टू एंट्री मीन्स प्रवेश की शक्ति की बात कही गई है, कि वो व्यक्ति जो लोग विकास क्षेत्र में, जहाँ वो एरिया है, अगर वहाँ पर उनको किसी की भूमि या भवन से होकर के गुजरना पड़ेगा, तो उसके लिए उनको पावर टू एंट्री जो प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन होंगे वो देंगे। तो मुख्यतः सेक्शन 25 में ये बताया गया है कि प्रवेश की शक्ति को प्राधिकृत कौन करेगा, तो प्राधिकृत प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन करेंगे। और ये जो पावर टू एंट्री होती है, वो विकास क्षेत्र में जो भी सहायक और कर्मकार होते हैं, उनको किसी भी भूमि या भवन में, भवन से होकर के या गुजर करके जाना है उस विकास क्षेत्र में, विकास संक्रियाओं को करने के लिए, जैसे कि विकास क्षेत्र में कहीं कोई चिन्ह लगाना है, निरीक्षण करना है, जाँच करना है, उसका सर्वेक्षण करना है, कहीं खुदाई करनी है, छेदन करना है, जो भी है उससे संबंधित कार्य करने के लिए, अगर किसी की भूमि या भवन से होकर के जाना है, तो उसके लिए वाइस चेयरमैन उनको प्राधिकृत कर सकेगा। अगर कोई भूमि या भवन का स्वामी हस्तक्षेप करता है या विरोध करता है, तो उनको प्राधिकृत पत्र को दिखाना होगा। तो सेक्शन 25 से इतनी बात करता है कि प्रवेश की शक्ति को वाइस चेयरमैन प्राधिकृत करेंगे और निम्न निम्न प्रयोजन के लिए वो सहायकों को, कर्मकारों को प्राधिकृत कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके बाद 26 की बात करते हैं सेक्शन की। 26 टोटल पेनाल्टीज की बात करता है, और काफ़ी बड़ा सेक्शन है ये 26। इसमें टोटल पेनाल्टीज बताई गई हैं। तो जो 26 का 1 है, वो सेक्शन 14 इसी अधिनियम का जो है, अगर उसका उल्लंघन होता है, तो उसके बारे में मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए इसको हम देख लेते हैं, कि कोई व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर महायोजना के उल्लंघन पर, पहली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति या तो स्वयं की प्रेरणा से या किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर महायोजना का उल्लंघन करता है, या फिर जो धारा 14 है उसमें जो मंजूरी के लिए प्रावधान किए गए, उसमें स्पष्ट बता दिया गया है, सारा प्रोसीजर दे दिया गया है, वो जो सेक्शन 14 में जो भी प्रोविजंस किए गए हैं, जो भी उपबंध हैं, अगर उन उपबंधों का उल्लंघन करता है, या फिर अगर उससे मंजूरी मिल गई है, तो सेक्शन 14 में जो उपबंध किए गए हैं उस संबंध में अगर आपको मंजूरी चाहिए प्राधिकरण से,
तो फिर सेक्शन 15 यानी कि 15 में वो प्रोसीजर दिया गया है और धारा 15(3) के तहत आपको मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा और वो मंजूरी आपको धारा 15(a) के तहत मिलेगी, जिसको हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। तो यदि इनमें जो शर्तें वगैरह दी गई हैं या शर्तों पर आपको कोई मंजूरी मिली है तो या तो आप शर्तों का उल्लंघन करते हैं या फिर धारा 14 के अंदर जो उपबंध हैं उन उपबंधों का उल्लंघन करते हैं तो फिर आपको दंडित किया जाएगा और वो दंड होगा ऐसा जुर्माना जो 50,000 रुपये तक का होगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर धारा 14 का उल्लंघन हो रहा है या धारा 14 में जो भी मंजूरी की बात कही गई है अगर वो मंजूरी आपको मिल गई है शर्तों के साथ तो उन शर्तों का आपने उल्लंघन कर दिया है, सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है, तो आप तो उसमें जो दंड का प्रावधान है वो जुर्माने का है और ऐसा जुर्माना जो 50,000 रुपये तक का हो सकेगा, ये बात करता है। अब जो 26(2) है वो भी बात करता है पेनाल्टी की, लेकिन वो सेक्शन 16 की बात करता है। सेक्शन 16 इसी अधिनियम का जो है वो कहता है कि कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन का प्रयोग धारा 16 के उल्लंघन में करता है, तो धारा 16 में सिर्फ इतना बताया गया है कि कोई व्यक्ति महायोजना जो भी है, जो भी योजना है, उस योजना में जहाँ कहीं वो विकास वो लागू है किसी अंचल में, किसी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में लागू है, वहाँ पर बिना प्राधिकरण के अनुमति के कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा, एक बात तो वो ये बताती है। और ये भी बताया गया है कि वहाँ उस क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने भवन का प्रयोग इस तरह से नहीं करेगा कि योजना का उल्लंघन हो, योजना के अनुरूप ही उसे चलना पड़ेगा जब तक वहाँ विकास कार्य चालू है। तो अगर इस चीज़ का उल्लंघन होता है वो धारा 16 के अंतर्गत आता है। धारा 16 में जो उसका हेड है वो साफ साफ बताया गया है, योजना के उल्लंघन में भूमि और भवन का प्रयोग। तो यदि आपने महायोजना के उल्लंघन में भूमि या भवन का प्रयोग किया है वो धारा 16 के अंतर्गत कवर होगा और धारा 16 के अंतर्गत जो जुर्माना दंड स्वरूप है वो 25,000 रुपये तक का हो सकेगा। तो यानी कि धारा 16 का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो 25,000 रुपये तक का होगा। अब यहां पर यह बता दूं कि अगर ये धारा 14 का उल्लंघन हो रहा है तो 50,000 रुपये तक का तो हो सकेगा, लेकिन अगर वो उल्लंघन रोजाना चालू है तो प्रतिदिन के हिसाब से 2,500 रुपया, और यहां पर अगर ये उल्लंघन दिन प्रतिदिन चालू है तो 1,250 रुपये, इसका जस्ट हाफ 50,000 का हाफ नहीं, ये याद करने के लिए बता रहा हूं कि अगर ये 50,000 है तो इसको आप 2,500 बना लीजिएगा पर डे के हिसाब से, और अगर ये 25,000 है तो इसको आप 1,250 बना लीजिएगा पर डे के हिसाब से, वो जुर्माने की राशि रहेगी। तो इतना इसमें याद करने का है। अब हम 26(3) में चलते हैं। 26(3) में बताया गया कि कोई व्यक्ति जो धारा 25 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति है, तो धारा 25 अभी अभी मैंने बताया ये पावर टू एंट्री, तो अगर पावर टू एंट्री को प्राधिकृत कर दिया गया है, अब अगर जो व्यक्ति प्राधिकृत हैं अब तो उनको तो पावर है तो वो तो जाएंगे, तो अगर किसी ऐसे भूमि या भवन के स्वामी के भूमि से या भवन से गुजर रहे हैं और वो विरोध कर रहे हैं या उनके प्रवेश में वो बाधा डाल रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी यानी कि जिसने धारा 25 का उल्लंघन कर दिया तो उस व्यक्ति को 6 मास तक का कारावास, उसे ऐसे कारावास से जो 6 मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। तो
आपने देखा धारा 14 का उल्लंघन होगा 50,000 रुपये, धारा 16 का उल्लंघन होगा 25,000 रुपये, धारा 25 का उल्लंघन होगा तो 6 मास तक का कारावास और 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकेगा। तो जो ये धारा 26 है, इसमें जो पेनाल्टीज बताई गई हैं वो आपने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि जो धारा 26 है उसका ए भी है, यानी कि काफ़ी बड़ा सेक्शन है ये, तो जो 26 ए है उसको देख लेते हैं। अच्छा, तो जो 26 है उसमें केवल 3 ही क्लाज हैं, 26(1), 26(2), 26(3), 14, 16, 25, बस इतना याद रख लीजिएगा। 14 में 50,000, 16 में 25,000, और 25 का उल्लंघन होता है तो 6 माह का कारावास और 1,000 रुपये। मैं इसको इस बार इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ कि पेनाल्टी से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब आप एडीज वगैरह का पेपर दे रहे होते हैं, जज बनने जा रहे होते हैं। तो सेक्शन 26 में देख लेते हैं, इनक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन ऑन पब्लिक लैंड। तो अगर सार्वजनिक स्थान पे आप कोई इनक्रोचमेंट करते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं उसके लिए पनिशमेंट की बात करता है ये 26। कोई इनक्रोचमेंट, कोई अतिक्रमण करते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन, कोई अवरोध आप सार्वजनिक भूमि पर पैदा करते हैं, तो अगर आप इनक्रोचमेंट करते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं तो आप पनिशेबल होंगे विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। तो ये 1 ईयर याद रखना है कि इनक्रोचमेंट या ऑब्स्ट्रक्शन के लिए जो पनिशमेंट है, ये जो इनक्रोचमेंट है पब्लिक लैंड पे होना चाहिए, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट है 1 ईयर का एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 20,000। तो यह तो ये सुधारा 26 ए बात करती है अतिक्रमण या अवरोध की। तो यदि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या अवरोध किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है, तो उसे 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके बाद जो 26 ए का सब क्लास 2 है वो स्पष्ट कर दे रहा है कि कोई भी ऑफेंस जो इस सेक्शन के अंदर 26 ए सब क्लास 1 के अंदर जो भी ऑफेंस आएगा वो कॉग्निजेबल होगा। तो ये 26 ए का सब क्लास 2 आपको बता दे रहा है कि कोई भी ऑफेंस जो 26 ए सब क्लास 1 को कवर करता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, पूछा जा सकता है कि 26 ए के अंदर जो भी ऑफेंस किया जाएगा वो कॉग्निजेबल होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा, जो भी जैसे भी वो पूछ ले, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में आएगा 26 ए का सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो भी इनक्रोचमेंट या ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अब हम देख लेते हैं 26 का सब क्लास 3। तो 26 का सब क्लास 3 देखना है, उसमें सब क्लास 3 में ये बताया गया है डिपॉजिटिंग बिल्डिंग मटेरियल ऑन अ पब्लिक प्लेस और स्ट्रीट विदाउट गेटिंग परमिशन। साफ बताया गया है कि अगर आप बिना परमिशन के बिल्डिंग मटेरियल पब्लिक प्लेस पर एकत्र कर रहे हैं या पब्लिक स्ट्रीट पर एकत्र कर रहे हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट क्या होगा? सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा जो कि फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो है 1 मंथ और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2,000 और बोथ। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, ये 26 ए का सब क्लास 3 है। इसके पहले आपने 26 ए का सब क्लास 1 पढ़ा,
जिसमें पब्लिक लैंड पे इनक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन की बात करता है, वहाँ पर जो पनिशमेंट है वो 1 ईयर का है। और वही ऑब्स्ट्रक्शन पब्लिक प्लेस या पब्लिक स्ट्रीट पर करते हैं तो वो पनिशमेंट 1 मंथ का है, और जो जुर्माना है वो 2000 रुपी का है, या फिर दोनों हो सकता है। तो ये 26A का सब क्लास 3 है। 26A के सब क्लास 2 में बताया गया है कि कोई भी ऑफेंस जो 26A इस सेक्शन के अंतर्गत कहीं भी फॉल करेगा, फॉल डाउन होगा, तो उसका वो ऑफेंस का नेचर होगा कॉग्निजेबल। अब हम 26A का सब क्लास 4 पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बीकर सेक्शन की बात कही गई है, तो इसमें बताया गया है कि ए पर्सन बिलोंगिंग टू बीकर सेक्शन, यदि कोई ऐसा पर्सन है जो समाज के बीकर सेक्शन से बिलोंग करता है और उसने कोई अतिक्रमण कर रखा है और उसने ऐसी जगह अतिक्रमण कर रखा है जहां जो एरिया विकास क्षेत्र घोषित किया गया है या जो भूमि विकास क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ऐसी भूमि पर उसने अतिक्रमण कर रखा है, तो इनका क्या होगा, इनको कैसे वहां से हटाया जाएगा, तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि यदि वह सार्वजनिक भूमि पर किया गया अतिक्रमण जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास संशोधन अधिनियम 1997, ये जो संशोधन अधिनियम है 1997 का, बस यही ध्यान रखना है कि इस संशोधन अधिनियम की प्रारंभ की तिथि को या पूर्व ये अतिक्रमण जो बीकर सेक्शन बीकर व्यक्ति द्वारा वो कमजोर व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया है वो इस संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की पूर्व का हो या उस तिथि को हो जब ये संशोधन अधिनियम लागू हुआ है, कैसा भी हो इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को वो वर्तमान में अतिक्रमण था या उसने ऐसा अतिक्रमण पहले कभी कर लिया था और बराबर चला आ रहा है, तो उसे तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे पुनर्वास हेतु वैकल्पिक भूमि या आवास प्रदान नहीं कर दिया जाता। ये याद रखने की बात है, ये अदर सेक्शन में लागू नहीं होगा या इनके साथ सेक्शन इस एक्ट के बाकी सेक्शन लागू नहीं होंगे। अगर वो व्यक्ति कमजोर वर्ग में नहीं आता तो उसे कैसे भी हटाया जा सकता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति कमजोर वर्ग में आता है इस अधिनियम के अंतर्गत तो ऐसे व्यक्तियों को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे वैकल्पिक भूमि या आवास प्रदान नहीं कर दिया जाता, यानी कि इनको रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इनको वहां से हटाया जा सकता है या इनके अतिक्रमण को हटाया जा सकता है, नहीं तो ये अपना अतिक्रमण बना करके रखेंगे। अब ये बात आती है जो धारा 26A के सब क्लास 4 में कमजोर व्यक्ति की बात कही गई है, तो ये कमजोर व्यक्ति है कौन, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कमजोर व्यक्ति नगर नियोजन अधिनियम के अंतर्गत कौन है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका परिवार इस संशोधन अधिनियम 1997 के प्रारंभ की तिथि पर किसी नगर में, उत्तर प्रदेश के किसी नगर में, और नगर कौन जो परिभाषित है नगर पालिका अधिनियम में, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में नगर की परिभाषा दी गई है, नोटिफाइड एरिया में उसमें भी दिया गया है, तो किसी भी नगर में स्थावर संपत्ति धारण ना करता हो, ये कमजोर व्यक्ति की पहली पहचान। कमजोर व्यक्ति कौन माना जाएगा, किस व्यक्ति को अतिक्रमण से नहीं हटाया जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को कमजोर व्यक्ति माना जाएगा जो इस संशोधन अधिनियम की प्रारंभ की तिथि पर वह किसी भी नगर में स्थावर संपत्ति धारण नहीं करता। और दूसरी पहचान, जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत या तो स्वयं द्वारा
या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा शारीरिक श्रम से करता है, शारीरिक श्रम से करता है। और इस श्रम के अंतर्गत शिल्प कला की प्रथा भी शामिल है, यानी कि शिल्पी लोग भी शामिल हैं। और इसमें दो व्यक्तियों को और शामिल किया गया, इसमें रिक्शा चालक भी शामिल है, इसमें सफाई कर्मी भी शामिल है। तो कहने का मतलब कि कमजोर व्यक्ति वो है जो संशोधन अधिनियम 1997 की प्रारंभ की तिथि पर वह उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर में स्थावर संपत्ति धारण नहीं करता। हालांकि उसमें लिखा है किसी भी नगर में नहीं करता, तो चूंकि ये लोकल एक्ट है तो यूपी में ही लागू है, तो हम ये समझ सकते हैं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश किसी नगर में वो संपत्ति, स्थावर संपत्ति धारण नहीं करता। और दूसरा ये है कि उसके आजीविका का मुख्य स्रोत या तो स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा शारीरिक श्रम से करता है। इसमें कोई शिल्प कला की प्रथा है वो भी शामिल है, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी प्रथा को, शिल्प कला की प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी काम में लगे हुए हैं, वो भी आते हैं। इसमें रिक्शा चालक भी आता है, इसमें सफाई कर्मी भी आता है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कमजोर वर्ग में निम्नलिखित आते हैं, तो ये जो धारा 26 ए है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हम इस धारा को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं और बाकी सारे इम्पोर्टेंट सेक्शन सी में कवर कर रहा हूँ। तो अब इसमें देख लीजिए कि अगर ये पूछता है वो कि निम्न में से कौन कमज़ोर व्यक्ति, कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति नहीं है, और उसमें बढ़ई जोड़ दे या लुहार जोड़ दे, तो कोई भी अल्टरनेटिव वो ऐसा मिक्स कर सकता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि शिल्पी या शिल्प कला की प्रथा को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं वो लोग कमजोर वर्ग में आएंगे, रिक्शा चालक आएगा, सफाई कर्मी आएगा, या वो व्यक्ति आएगा जो इस संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को नगर, किसी भी नगर में वो, उसके पास संपत्ति, स्थावर संपत्ति नहीं है, और वो अपनी आजीविका स्वयं द्वारा या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा श्रम के द्वारा ही चला रहा है। अब बात आती है कमजोर वर्ग के व्यक्ति के परिवार में कौन कौन आते हैं, कमजोर वर्ग के व्यक्ति के परिवार में कौन कौन गिने जाएंगे। तो कमजोर वर्ग के व्यक्ति के परिवार में, तो परिवार में पति पत्नी, ये अब्लिक लगा है, तो पति या पत्नी एवं अविवाहित अवयस्क बच्चे या वे दोनों आते हैं। तो कमजोर वर्ग व्यक्ति के परिवार में पति या पत्नी एवं अविवाहित अवयस्क बच्चे या वे दोनों आते हैं, ये भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है। तो पति पत्नी और अविवाहित अवयस्क बच्चे, ये दोनों कमजोर वर्ग के व्यक्ति के परिवार में गिने जाएंगे। एक बात तो ये हो गई। अब इसके बाद ये जो हमारी धारा 26 ए है इसमें 13 सब क्लास हैं, आपको बता दूं। अभी तक हम लोगों ने 4 सब क्लास पर बात की है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की गुंजाइश नज़र आती है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते दिखाई दे रहे हैं। फिर भी कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो धारा 26 ए का सब क्लास 5 है वो संपत्ति की कुर्की के संबंध में बात करता है। वो ऐसी संपत्ति जो विकास क्षेत्र की भूमि से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, लगी हुई है, तो ऐसी संपत्ति को प्राधिकरण कुर करने का अधिकार रखता है, प्राधिकरण के अधिकारी। और यदि ये संपत्ति कुर्क की गई है और प्राधिकरण ने उसके समापन का आदेश कर दिया है तो वो धारा 26 के सब क्लास 9 पे समापन का आदेश अगर प्राधिकरण ने कर दिया है तो इस सब सेक्शन 9 से जो व्यथित व्यक्ति होगा वो जिलाधीश के यहाँ अपील कर सकता है धारा 26 ए का सब सेक्शन 13, यानी कि आखिरी सब सेक्शन ये बताता है कि अगर सबसेक्शन 9 में कोई व्यक्ति, 9 के आदेश से कोई व्यक्ति व्यथित है तो वो उस आदेश के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के समक्ष ये अपील कर सकता है और जैसा वो समझेंगे वो अपील पर कार्रवाई करेंगे।
ये जिला न्यायाधीश का अपना विवेक होगा। तो इस तरह से धारा 26 ए यहाँ पर कंप्लीट होती है। जितना ज़्यादा इसमें गुंजाइश थी वो सारा मैंने कोशिश की है आपको बताने की, फिर भी आप लोग डायरेक्ट एक बार ज़रूर देखें। अब हम धारा 26 बी पढ़ेंगे। तो ये देखिए धारा 26 बी में, तो धारा 26 बी का जो सब क्लास 2 है वो ये बताता है कि द डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी ट्रिब्यूनल। तो धारा 26 बी में ट्रिब्यूनल के बारे में बात की गई है, अधिकरण की बात की गई है। और ये जो अधिकरण बनाया जाएगा ये फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 26 ए का सब क्लास 4। ये सब क्लास 4 क्या है, 26 ए का बी का सेक्शन के लोगों के लिए है। तो ये ट्रिब्यूनल होगा और इस सेक्शन के पर्पज के लिए बनाया जाएगा। और उस तो जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो ट्रिब्यूनल होंगे। तो याद रखिएगा ट्रिब्यूनल कौन होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, खासतौर से बीकर सेक्शन के लिए। अब धारा 26 बीकर सब क्लास 4 प्रोसीडिंग की बात करता है कि प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रिब्यूनल, ये जो डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रिब्यूनल बनाया गया इनके सामने जो भी प्रोसीडिंग होगी शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल। तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट जज हैं और इनको ट्रिब्यूनल बनाया गया है, तो इनके समक्ष जो भी प्रोसीडिंग होगी वो जुडिशियल होगी। जुडिशियल किस वजह से होगी ये सब कहाँ बताया गया है, तो इन्होंने कहा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 and 228 ऑफ IPC। तो इन सेक्शन के अंतर्गत वो जो प्रोसीडिंग है इन सेक्शंस की मीनिंग के अंतर्गत वो प्रोसीडिंग जो ट्रिब्यूनल के सामने चलेगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी। ये धारा 26 बी का सब क्लास 4 बता रहा है। तो धारा 26 बी के सब क्लास 2 में ट्रिब्यूनल होगा, वो होगा डिस्ट्रिक्ट जज, और वो किस पर्पज के लिए होगा, बीकर सेक्शन के लिए, यानी कि धारा 26 ए के सब क्लास 4 के पर्पज के लिए होगा। और 4 में प्रोसीडिंग बताया गया 193, 228 IPC आपको याद रखना है, इनके तहत तो वो प्रोसीडिंग उनके समझ जो भी होगी वो जुडिशियल होगी। अब 26 डी लेते हैं। धारा 26 डी में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति जिसे इस अधिकरण के अधीन अतिक्रमण निवारण का कर्तव्य सौंपा गया है, तो यानी कि अगर कोई इंक्रोचमेंट है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और प्राधिकरण ने किसी ऐसे व्यक्ति को ये कर्तव्य सौंपा है कि वो उस अतिक्रमण को हटाए या हटवाए, अब भी वो व्यक्ति यदि जानबूझ करके लापरवाही करता है, वो कहीं ना कहीं उनका फेवर करता है जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, तो ऐसा व्यक्ति जिसे अतिक्रमण निवारण का कर्तव्य सौंपा गया है यदि वह जानबूझकर ऐसे निवारण की उपेक्षा करता है या लोप करता है तो ऐसे व्यक्ति को साधारण कारावास, ये साधारण कारावास वो जो 1 माह तक का हो सकेगा, 1 माह याद रखना है, या फिर जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 26 डी में सिर्फ ये बताया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो जिसे कर्तव्य सौंपा गया है अतिक्रमण को हटाने के लिए यदि वो जानबूझ करके लापरवाही करता है या ऐसा कोई लोप करता है जिससे वो अतिक्रमण बना रहे, वो अपने कर्तव्यों का सही तरह से पालन नहीं कर रहा है, अब ये कह सकते हैं, तो फिर उस व्यक्ति को अगर ये साबित होता है कि साहब उन्होंने तो लापरवाही बरती है, उपेक्षा बरता है, नहीं तो अभी तक तो हट जाता, तो 1 माह का साधारण कारावास या फिर 10,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों इस अधिनियम के अंतर्गत पेनाल्टी बताई गई है। तो जो धारा 26 है वो टोटल पेनाल्टीज की ही बात करती है और यहाँ से धारा 26
कंप्लीट होती है। तो धारा 26 काफ़ी लंबी थी, काफ़ी ये लंबा सेक्शन है, लेंदी है, और बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं यहाँ से क्वेश्चन की, इसलिए मैंने मैक्सिमम इसको कवर करने की कोशिश की है। और आप लोग भी बेयर देखिएगा और इसके बाद मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अब हम सेक्शन 27 लेते हैं और ध्वस्तीकरण का आदेश इस धारा में बताया गया है। तो धारा 27 में ध्वस्तीकरण के आदेश के बारे में बताया गया है कि यदि कोई ऐसी बिल्डिंग जो इस अधिनियम का या महायोजना का उल्लंघन करती है या वो इस तरह से बनाई गई है जो योजना के अनुरूप नहीं है और जो धारा 14 इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उनमें जो उपबंध दिए हैं उनका उल्लंघन करती है उसकी पेनाल्टी के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वही है कि अगर धारा 14 के उल्लंघन में कोई विकास कार्य प्रारंभ किया गया है, विकास कार्य प्रारंभ करके कोई बिल्डिंग वगैरह या कोई भी ऐसा कार्य कर लिया गया है तो उस कार्य का ध्वस्तीकरण का आदेश के संबंध में धारा 27 बात करती है। अब हमें ये देखना है कि ये आदेश दे कौन सकता है, तो ऐसा आदेश कौन देगा, तो ऐसा आदेश उपाध्यक्ष महोदय देंगे या उनके द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई प्राधिकरण का अधिकारी भी दे सकता है। तो हमें तो उपाध्यक्ष याद रखना है कि कौन देगा, तो ध्वस्तीकरण का आदेश उपाध्यक्ष महोदय देंगे और ये किसको देंगे, तो उस व्यक्ति को यानी कि स्वामी को जिसके द्वारा या जिसके अनुरोध पर, ये दो बातें हैं, तो जिसके द्वारा या जिसके अनुरोध पर ऐसा विकास कार्य पूरा किया गया है या शुरू किया गया है, यानी कि धारा 14 के उल्लंघन में कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसके अनुरोध पर ऐसा कार्य किया गया है तो उनको ये आदेश दिया जाएगा कि वो ध्वस्त करा ले अपने इस कार्य को, हटा ले, नहीं हटाएंगे तो आगे कार्रवाई है। तो कौन देगा, उपाध्यक्ष महोदय देंगे, किसको देंगे, उन व्यक्तियों को देंगे जिन्होंने धारा 14 के उल्लंघन में कोई विकास कार्य कर रखा है या करा चुके हैं, दोनों बातें हैं, या जारी है, उनको क्या आदेश दिया जाएगा, उनको ये आदेशित किया जाएगा कि ऐसी अवधि के भीतर, तो ये अवधि आपको याद रखना है कि ध्वस्तीकरण का आदेश उपाध्यक्ष महोदय देंगे, उन दो व्यक्तियों को देंगे और उनको ये आदेश देंगे कि वो उनका आदेश जो होगा उसमें जो नोटिस होगी वो 15 दिनों से कम की नहीं होगी और 40 दिनों से अधिक की नहीं होगी, यानी कि कम से कम ध्वस्तीकरण के लिए इतना समय उनको दिया जाएगा उन व्यक्तियों को कि 15 दिन से कम की नहीं होगी और 40 दिन से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतम नोटिस पाने के 40 दिनों के भीतर वो ध्वस्तीकरण करा लें, नहीं कराएंगे तो आगे की प्रोसीडिंग आगे देखी जाएगी। तो आदेशित किया जाएगा कि ऐसी अवधि के भीतर जो 15 दिनों से कम और 40 दिनों से अधिक ना हो ध्वस्तीकरण या गिराकर या अन्यथा हटा ले, जो भी आपने विकास कार्य करा रखा है तो उसे आप ध्वस्तीकरण करके बुलडोजर चला दें, गिरा दें, कैसे भी गिरा लें, या फिर अन्यथा जैसा आप उचित समझें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको नोटिस दी गई है, आपका काम है, आप कर सकते हैं तो ये कर लें। तो आदेश के लिए आपको ये टाइम पीरियड याद रखना चाहिए। अब यहां पर यह एक परंतु लगा दिया गया कि ऐसा आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक जिन व्यक्तियों को आदेश दिया जाना है उन व्यक्तियों को सुन न लिया जाए, उनको सुनने का युक्तियुक्त अवसर न प्रदान किया जाए, जब तक ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा। यह परंतु जोड़ दिया गया है कि जिन्होंने ऐसा विकास कार्य करा रखा है, जिनको ये नोटिस दी जानी है कि आप हटा लें, तो उनको सुनने का अवसर आपको देना पड़ेगा, उनको बिना सुने आप ऐसा आदेश
नहीं पारित कर सकते, इसलिए उसमें साफ बता दिया गया है कि ऐसा आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, ध्वस्तीकरण का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त न कर ले या उसे प्रदान न कर दिया जाए और उनसे ये पूछा जाए कि ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। जब तक उसे ये ना पूछ लिया जाए, इस बात को पूछने का जब तक उन्हें अवसर नहीं दे दिया जाता, जब तक ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा, ये प्रोवाइजो में बताया गया है। तो ये थी धारा 27, ध्वस्तीकरण का आदेश। तो धारा 27 का सब क्लास 1 था ये, ध्वस्तीकरण का आदेश। इसमें आपको टाइम पीरियड थोड़ा मायने रखता है, तो ये आप रखना है। और कौन देगा, ये दो चीज़ें खासतौर से उपाध्यक्ष महोदय देंगे, और जो भी आदेश होगा वो 15 दिन से कम का नहीं होगा और 40 दिन से अधिक का नहीं होगा। तीसरी बात याद रखना है कि कब नहीं दिया जाएगा, तो जब तक उसे सुन नहीं लिया जाता, उसे ये पूछ नहीं लिया जाता कि ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, तब तक ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा। अब हम चलते हैं धारा 27 के सब क्लास 2 की तरफ, जिसमें अपील का अधिकार बताया गया है कि यदि जो आदेश 27(1) में आ गया है, वो ध्वस्तीकरण का जो आदेश आ गया है, उस आदेश से अगर आप व्यथित हैं तो आप अपील कर सकते हैं। तो आपके पास 27(2) में अपील का अधिकार भी है। अपील का अधिकार है, ऐसे आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश की तारीख से, बस टाइम याद रखना है, 30 दिनों के भीतर। अपील कौन सुनेगा? अब अध्यक्ष महोदय सुनेंगे, चूंकि उपाध्यक्ष महोदय ने तो आदेश ही दे रखा है, तो उपाध्यक्ष महोदय फिर अपील सुन ही नहीं सकते। तो सीधी बात है कि यहाँ पर अध्यक्ष महोदय अपील सुनेंगे, अध्यक्ष को अपील हो पाएगी। तो ये कौन सुनेगा, ये याद रखना है, क्योंकि हर जगह एक ही फोरम नहीं है अपील का, कहीं अध्यक्ष महोदय हैं तो कहीं जिला न्यायाधीश हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, धारा 27(2) में जो अपील का अधिकार है, वो अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकेगा, और टाइम पीरियड है 30 दिन के भीतर कर सकेगा। कैसे आदेश के खिलाफ कर सकेगा? ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ कर सकेगा। तो सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि ध्वस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी या किसके समक्ष होगी? उसमें जिला न्यायाधीश होंगे, अध्यक्ष महोदय होंगे, उपाध्यक्ष महोदय होंगे, या और जो उचित समझे अल्टरनेट देने के लिए। तो उस तरह से आपको ये याद रखना है कि ये अध्यक्ष महोदय के समक्ष ही अपील होगी, 30 दिन के अंदर होगी। अब हम धारा 27(4) देख लेते हैं, धारा 27 का सब क्लास 4। तो उसमें ये बताया गया है कि अगर आपने अपील कर दिया है अध्यक्ष महोदय के समक्ष, तो फिर अध्यक्ष महोदय अपील सुनेंगे और उसको अंतिम रूप से निपटाएंगे, और जो भी उनका निर्णय होगा वो अंतिम होगा। ये बात इन्होंने कही, अंतिम होगा। अब अंतिम के साथ में एक चीज और जोड़ दी, क्योंकि अंतिम अगर होगा और ये चीज नहीं जुड़ी होती तो दो उपचार और बचते हैं, सेल भी फाइनल। तो फाइनल का मतलब एकदम अंतिम नहीं होता, एक दो उपचार बचे रहते हैं, रिवीजन वगैरह आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने साफ जोड़ दिया कि अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की बात है कि अंतिम अकेले नहीं होगा, अंतिम भी होगा और वो किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अध्यक्ष महोदय के सामने जो अपील होगी, उस अपील में उनका आदेश अंतिम तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत भी नहीं किया जाएगा, ये धारा 27 का सब क्लास 4 बताता है। तो धारा 27(1) में हमने ध्वस्तीकरण का आदेश देखा, और धारा 27(2) में अब उस आदेश के खिलाफ जो अपील का अधिकार है व्यथित व्यक्ति को, वो देखा। इसके बाद हम सीधे 27(4) में आ जाते हैं, तो अध्यक्ष महोदय अपील सुन के उसका अंतिम तौर से निपटारा कर देते हैं और उसको प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। धारा 27(5) में ये बताया गया है कि इस धारा के उपबंध अतिरिक्त होंगे, यानी कि धारा 27 के अंतर्गत जो उपबंध दिए गए हैं ध्वस्तीकरण से संबंधित, जो उपबंध दिए गए हैं वो इसके अलावा अगर कोई और तत्समय प्रचलित विधि है और उसमें भी अगर इस संबंध में ध्वस्तीकरण के संबंध में कोई उपबंध है, तो वो उपबंध इस उपबंध के अतिरिक्त होंगे। तो ये अतिरिक्त शब्द हमको याद रखना है, एडिशन टू होंगे, ये याद रखना है, एडिशन टू हमको याद रखना है।
तो इस धारा के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में ध्वस्तीकरण से संबंधित अन्य उपबंध के अतिरिक्त होंगे। यानी कि धारा 27 में जो उपबंध दिए गए हैं और इसी के साथ साथ यदि कोई और तत्समय कोई प्रवृत्त विधि है, प्रचलित विधि है और उसमें भी ध्वस्तीकरण के संबंध में कोई उपबंध है तो वो उपबंध इस उपबंध के अतिरिक्त होंगे, इन एडिशन टू होंगे, यानी कि इसके साथ जुड़ जाएंगे। ये आपको याद रखना है, इन उपबंधों को वो कम नहीं करेंगे, ये न्यून नहीं होंगे ये, बल्कि इन्हीं के साथ में उनको और ऐड कर दिया जाएगा बस। अब धारा 28 ले लेते हैं। अब विकास रोकने की शक्ति प्राधिकरण के अध्यक्ष को है, धारा 28 ये बताती है। तो विकास रोकने की शक्ति, बस इतना ही आपको याद रखना है, वो अध्यक्ष महोदय के पास है। अगर विकास कार्य कहीं भी रोका जाना है तो उसकी शक्ति अध्यक्ष महोदय के पास है, उन्हीं के आदेश से ऐसा संभव हो पाएगा। तो जहां विकास रोकने की शक्ति का मतलब है कि जहां कोई भी विकास क्षेत्र है ना, और वहां कोई भी महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में कोई विकास हो रहा है, तो धारा 28 में स्पष्ट कह दिया गया है कि किसी भी तरह का विकास जो ऐसे क्षेत्र में किया जा रहा है या धारा 14 के उल्लंघन में किया जा रहा है, तो धारा 14 खासतौर से याद रखना है, क्योंकि सारे प्रोविजन उसी में दिए गए हैं विकास के लिए और उसी के अनुरूप ही आगे होना चाहिए। अगर उसके अनुरूप नहीं हो रहा है तो फिर अध्यक्ष महोदय उस विकास को रोकने की शक्ति रखते हैं। तो धारा 28 में साफ साफ यह कहा गया है, विकास रोकने की शक्ति। तो विकास रोकने की शक्ति किसके पास है? अध्यक्ष महोदय के पास है। धारा 28 में सिर्फ इतना ही हमको पता होना चाहिए। और धारा 28 का भी है, वो ये बता रही है कि अपराधिकृत विकास को सील करने की शक्ति। तो अगर कोई विकास धारा 14 के उल्लंघन पे हो रहा है तब तो अध्यक्ष महोदय रोकेंगे, लेकिन अगर कोई अपराधिकृत विकास है, अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट है, तो अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट को उपाध्यक्ष महोदय सील करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन अगर कोई डेवलपमेंट को स्टॉप करना है तो स्टॉप करने का जो पावर है वो अध्यक्ष महोदय के पास है। बस ये थोड़े से डिफरेंस हमको पता होना चाहिए, इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा इसके लिए क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन को जब आपको क्लियर नहीं हो तो आप उसका इंग्लिश वर्जन देख लेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा आंसर क्या करना चाहिए। अब इसके बाद सेक्शन 30 आता है, 28 के बाद जो हमें पढ़ना है वो है कंपनियों द्वारा अपराध। तो बस हमें यही पता होना चाहिए कि इस अधिनियम में तो धारा 30 कंपनियों द्वारा अपराध के संबंध में बात करती है। हमें ये पता होना चाहिए, पूछ सकता है कि कंपनियों द्वारा अपराध किस सेक्शन में दिया गया है, जनरली ये पूछा जा सकता है। और कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी में कौन कौन आते हैं, किनको इंक्लूड किया गया है। तो कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉरपोरेट, ये तो पता है, एंड इंक्लूड्स, यहाँ ये थोड़ा सा फर्क है, एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसमें फर्म भी शामिल है और अन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल भी इसमें शामिल है। इसका मतलब होता है अन संघ शामिल है, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल अन व्यक्तियों के संघ भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। धारा 30 में कंपनी का मतलब ये होगा। अब कंपनी द्वारा अपराध का मतलब ये है कि अगर किसी अपराध का कोई दोषी एक कंपनी है तो कंपनी में जो भी व्यक्ति होंगे, जितने भी व्यक्ति होंगे, अपराध कारित करते समय यदि वो कारोबार के संचालन हेतु जिम्मेदार थे, कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए वे जिम्मेदार थे, जितने सारे व्यक्ति, वो सारे के सारे व्यक्ति अपराध के लिए दोषी माने जाएंगे, इतना इस धारा के अंतर्गत बताया गया है।
तो ये बात क्लियर हो गई कि कंपनी के वो प्रत्येक व्यक्ति अपराध करने के दोषी माने जाएंगे कंपनी के बाहर साधक के साथ साथ, जो अपराध कारित किए जाते समय कंपनी के कारोबार के लिए जिम्मेदार थे। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने की बात है कि वो व्यक्ति दोषी नहीं माने जाएंगे जो व्यक्ति ये साबित करते हैं कि वो अपराध उनकी बिना जानकारी में किया गया है या उन्होंने उस अपराध को रोकने के लिए सम्यक प्रयत्न किया, सतर्कता बरती। तो हमने बात कर ली धारा 30 कंपनियों द्वारा अपराध के लिए, कौन व्यक्ति दोषी होंगे और कौन व्यक्ति दोषी नहीं होंगे कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए। अब यहाँ ये हमें पता चल गया कि कंपनी में कौन कौन शामिल है। अब अगर फर्म की बात आती है, अगर किसी अपराध के लिए कोई फर्म दोषी है तो फर्म के संबंध में जो डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर टू ए फर्म, उनको भी फर्म का पार्टनर माना जाएगा। तो फर्म के संबंध में निदेशक से फर्म का भागीदार भी अपप्रेत है, ये उसमें भाषा में लिखा गया है। तो धारा 30 क्लियर हो गई, कंपनी द्वारा अपराध, कंपनी में कौन शामिल है, फर्म के संबंध में क्या स्थिति है और अपराध के संबंध में क्या स्थिति है, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब हम सेक्शन 32 में आते हैं। सेक्शन 32 कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस की बात करता है। इस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जितने सारे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, इससे ज़्यादा सेक्शन पढ़ने ही नहीं है। तो धारा 32 कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस की बात करती है, अपराधों का उपशमन या प्रशमन की बात करती है। तो इस धारा में साफ साफ बताया गया है कि इस अधिनियम के अंदर कोई भी अपराध उसका प्रशमन किया जा सकेगा। तो धारा 32 से हमें ये पता चल गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध दंडनीय बनाए गए हैं उन सभी का प्रशमन किया जा सकता है। वो कहता है किसी भी अपराध को प्रशमन किया जाएगा, मतलब किसी भी अपराध को इस अधिनियम के अंतर्गत जो दंडनीय बनाया गया है उन सबका प्रशमन किया जा सकेगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, वो देखते हैं क्या है। तो धारा 32 में जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि कब प्रशमित किया जाएगा और किसके द्वारा प्रशमित किया जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कि अपराध का प्रशमन कार्यवाही संस्थित किए जाने के पहले या बाद, दोनों ही स्थिति में किया जा सकता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कौन करेगा, अथॉरिटी किसके पास है, तो वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष महोदय जो प्राधिकरण के हैं वो अपराध का प्रशमन कर सकते हैं, या फिर उनके बिहाफ पर उनके द्वारा कोई अथराइज्ड पर्सन है, कोई ऑफिसर है, वो कर सकता है। तो ऐसे प्रशमन का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट होगा डिस्चार्ज, ये याद रखना है, उन्मोचन होगा, उस अपराध से उस व्यक्ति को उन्मोचित कर दिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर अब आगे कोई उसी दंड को ले, उस अपराध को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो धारा 32 हमको अपराधों के प्रशमन के संबंध में बताती है और वो स्पष्ट करती है कि किसी भी अपराध को जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय बनाए गए हैं उनको प्रशमित किया जाएगा या किया जा सकेगा, उपाध्यक्ष महोदय द्वारा किया जा सकेगा, कार्रवाई संस्थित करने के पहले या संस्थित करने के पश्चात किसी भी स्टेज पे किया जाएगा, रिजल्ट उन्मोचन या उन्मोचित
होगा वो व्यक्ति, यानी कि डिस्चार्ज्ड होगा वो व्यक्ति। धारा 33(4) की बात करते हैं, मैं टुकड़ों में बात कर रहा हूँ, तो चीज़ें अगर बहुत परफेक्टली आपस में कनेक्ट नहीं भी हो पा रही हैं तो भी आप करेक्ट करके चले मेरे साथ, क्योंकि प्री पॉइंट ऑफ व्यू पर है, तो मैंने चीज़ें सेक्शन के बीच बीच से उठाई हैं और उनको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की है, तो कनेक्टिविटी कहीं कुछ लो हो सकती है, वीक हो सकती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप अपनी तरफ से कनेक्ट करते जाइए और प्री को हिट करना है, बस ये देखना है कमी कहाँ है, उसे सुधार लेना है। अब धारा 33 की बात करते हैं, और धारा 33 का हम केवल सबसेक्शन 4 पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर वो स्थिति बताई गई है कि जब कोई ऐसी भूमि है जहाँ कोई सुख सुविधा प्रदान नहीं की गई है, और ऐसी सुख सुविधा प्रदान करने का वादा किया गया था, आप ऐसे कह सकते हैं वादा किया गया था, या विकास प्राधिकरण जो है उसने मंजूरी दी थी ऐसी भूमि की विकास के लिए, या वहाँ सुख सुविधा प्रदान करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, जो कि उसने फिर नहीं की, तो यदि उस क्षेत्र के जहाँ ऐसी भूमि है जिसमें सुख सुविधा प्रदान करने का वादा तो किया गया था, लेकिन फिर वो सुख सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं, ऐसे क्षेत्र के निवासी जो आधे से अधिक हो, इतनी संख्या में हो जो आधे से अधिक हो, यानी कि आधे से अन्यून हो, आधे से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 1/2, आधे से कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आधे से अधिक होना चाहिए। तो अगर आधे से अधिक उस क्षेत्र के निवासी या व्यक्ति इस बात की लिखित, इस बात का लिखित प्रत्यावेदन देते दे करके प्राधिकरण का समाधान यदि कर देते हैं कि ये बात ठीक है, और प्राधिकरण की राय में भी ये स्पष्ट है कि विकास कार्य कराया जाना चाहिए ऐसी भूमि के संबंध में जिसके संबंध में मंजूरी प्राप्त की गई थी लेकिन वहां कराया नहीं गया, अगर ऐसा प्राधिकरण का समाधान हो जाता है तो आधे से अधिक व्यक्ति या इतने व्यक्ति जो आधे से कम ना हो उस क्षेत्र के, आधे से कम ना हो और वो सबका प्रतिनिधित्व करते हो, ऐसे लोगों के द्वारा यदि लिखित प्रत्यावेदन प्राधिकरण को दे दिया जाता है तो प्राधिकरण ऐसे कार्य को कराएगा, ऐसे विकास कार्य को वो कराएगा जिसके लिए मंजूरी दी गई थी या वादा किया गया था। तो धारा 34 का सबसेक्शन 4 सिर्फ इतना बताता है कि अगर कोई ऐसा भूमि है या ऐसे क्षेत्र की भूमि है जिस भूमि के संबंध में विकास कार्य कराए जाने की मंजूरी दे दी गई थी लेकिन बाद में वहाँ पर विकास कार्य नहीं कराया गया, तो उस क्षेत्र के इतने व्यक्ति जो आधे से कम ना हो, अगर वो लिखित प्रत्यावेदन प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय को दे देते हैं, तो अगर वो अध्यक्ष महोदय का या प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि नहीं ऐसे क्षेत्र में या ऐसी भूमि का विकास कराया जाना चाहिए, तो फिर वो विकास कार्य कराया जा सकेगा। धारा 33(4) ये बताती है, और विकास कार्य कराने के बाद जो खर्चे होंगे, जो बे होंगे, उसकी प्रोसीजर आगे दी गई है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो प्री पास करनी है और इसके बाद मेन की
मेन की तैयारी करके इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मेन के लिए भी ले लेना है, इन्हीं चीजों को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना है, बस उसे ज्यादा नहीं करना है, वो हम लोग आगे देख लेंगे। धारा 35 देख लेते हैं। तो धारा 35 विकास योजना के परिणाम स्वरूप अगर किसी भूमि या किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, यानी कोई ऐसा एरिया है जहां विकास कार्य कराया गया है और विकास कार्य के परिणाम स्वरूप वहां के स्वामियों की संपत्तियों की मूल्य में वृद्धि हो गई है, तो अगर वृद्धि हो गई है तो जो विकास प्राधिकरण है वो ऐसी संपत्तियों के स्वामियों से विकास प्रभार वसूल करने के हकदार होंगे। सीधी सी बात है, धारा 35 के अंतर्गत विकास प्रभार वसूल करने का अधिकार विकास प्राधिकरण के पास है, लेकिन उन्हीं संपत्तियों से विकास प्रभार वसूल करने का अधिकार उसे प्राप्त है जिन संपत्तियों की मूल में वृद्धि विकास कार्य कराने की वजह से हुई है, तो प्राधिकरण के पास हक बनता है। लेकिन विकास प्राधिकरण यदि उसके विकास क्षेत्र के अंतर्गत कोई सरकारी भूमि है तो सरकारी भूमि से वो विकास प्रभार वसूल करने का हकदार नहीं होगा, तो विकास प्राधिकरण विकास प्रभार वसूलेगा लेकिन सरकारी भूमि से नहीं वसूलेगा। यदि सरकारी भूमि कोई है तो सरकार से नहीं वसूलेगा, लेकिन व्यक्तिगत या प्राइवेट संपत्ति है उन संपत्तियों के स्वामियों से यदि उनकी संपत्तियों के मूल में वृद्धि विकास प्राधिकरण के विकास कार्य के द्वारा हुई है तो वसूलेगा। अब बात यह आती है कि सरकारी भूमि है तो नहीं वसूलेगा, लेकिन यदि यदि वो भूमि सरकार ने उसे पट्टे या अनुज्ञप्ति में लीज में दे रखा है तो फिर जिसे दे रखा है उस व्यक्ति से वो विकास प्रभार प्राधिकरण वसूल सकेगा। तो सरकारी सीधी सीधी बात है, सरकारी भूमि से नहीं वसूलेगा, व्यक्तिगत संपत्तियों के स्वामियों से वसूलेगा यदि उनकी संपत्ति की मूल्य वृद्धि हो गई है, और यदि कोई सरकारी भूमि भी है तो वो पट्टे या अनुज्ञप्ति में दी गई है, तो जिस व्यक्ति ने पट्टे में उसे ली है या अनुज्ञप्ति में ली है उस व्यक्ति से वो विकास प्रभार विकास प्राधिकरण वसूल सकेगा। ये बात धारा 35 में बताई गई है। अब लेते हैं धारा 39 यानी कि 39। दो तीन सेक्शन और बचे हैं, हमारा पूरा एक्ट कवर हो गया, पूरा चैप्टर कवर हो गया, जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है बस वही दो चार और बचे हैं उनको कवर कर लेते हैं, पूरा एक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो सेक्शन 39 एडिशनल स्टैंप ड्यूटी की बात करता है। एडिशनल स्टैंप ड्यूटी ऑन सर्टेन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पर जो विकास प्राधिकरण है वो एडिशनल स्टैंप ड्यूटी की बात करता है, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की बात करता है। मतलब ये कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार उस संपत्ति के ट्रांसफर करने में जो स्टाम्प ड्यूटी बनती है उस स्टाम्प ड्यूटी के मूल्य का 2% विकास प्राधिकरण आरोपित कर सकता है, उस विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में। सिंपल सी बात इतनी है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 द्वारा जो भी मूल्य या रकम शुल्क के रूप में उस स्थावर संपत्ति के संबंध में देय होगी उसका 2% अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्राधिकरण को देना होगा ट्रांसफरी को। इसमें बस एक शर्त जोड़ दी गई है कि ये 2% का जो अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी है इसको अगर राज्य सरकार चाहे तो 5% तक बढ़ा सकती है, ये राज्य सरकार को पावर इसी सेक्शन में दे दिया गया है। और अब धारा 41 की बात कर लेते हैं, बहुत छोटा सा सेक्शन है, इसमें बताया गया है प्राधिकरण पर राज्य सरकार का नियंत्रण। तो राज्य सरकार का प्राधिकरण पर पूरा नियंत्रण होता है, जब कभी भी प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की शक्तियों को लेकर के
और राज्य सरकार की शक्तियों को लेकर के आपस में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, कोई टकराहट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में धारा 41 में स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा, राज्य सरकार का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। तो दोनों के बीच में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा, यानी कि राज्य सरकार ही प्रिवेल करेगी। तो धारा 41 के तहत राज्य सरकार को प्राधिकरण पर नियंत्रण की व्यवस्था करता है। अब हम धीरे से धारा 44 ले लेते हैं। धारा 44 ये बताती है, सिर्फ इतना ही हमको याद करना है इसके अंतर्गत, कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी सूचना दी जाएगी पब्लिक एट लार्ज को वो लिखित रूप में ही होगी। बस ये बात आपको याद रखनी है और कुछ नहीं है। प्रत्येक सूचना जो प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी वो लिखित रूप में ही होगी। धारा 48 न्यायालयों की अधिकारिता की बात करती है, ज्यूरिडिक्शन की बात करती है धारा 48। तो उसमें ये बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन जो भी दंडनीय अपराध हैं उनका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा, उससे नीचे के या निम्न श्रेणी के न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। तो हमें इतना याद रखना है कि धारा 48 के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है कि इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई भी अपराध है उसका विचारण किया जाना है तो वो विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट साहब ही करेंगे, यानी कि इनके न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा, इनसे नीचे के न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन 48 है, हमें इतना याद रखना है किसको इसमें अधिकारिता प्राप्त है, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों को कौन सुनेगा, कौन प्रसंज्ञापित करेगा। अब इसके बाद एक लास्ट सेक्शन है धारा 49, इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी अभियोजन इस अधिनियम के अधीन, कोई भी अभियोजन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी के बिना संसित नहीं किया जाएगा। यानी कि 48 में अगर कोई भी मामला संसित करना है तो आपको सबसे पहले 49 में उपाध्यक्ष की मंजूरी प्राप्त करनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी मामला, कोई भी अभियोजन संसित नहीं किया जाएगा, इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। ये था सेक्शन 49। तो इस तरह से हमें इतने सेक्शन कवर करने हैं। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ सेक्शंस लिए हैं, कुछ सेक्शंस के विशेष पोर्शन लिए हैं जो प्री एग्जाम के लिए मुझे लगे कि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन सारे सॉफ्ट कॉर्नर को मैंने टच करने की कोशिश की है। मेरा प्रयास कैसा रहा वो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट कंसोलिडेशन या जो भी रेंट कंट्रोल एक्ट है इनको लेकर के मैं आपको फिर इसी तरह के वीडियो देने की योजना बनाऊंगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अंत में बोल रहा हूँ, तो आप को यदि अच्छा लगता है मेरे साथ पढ़ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट और लाइक करते रहिए, ये मेरा सभी से अनुरोध है। धन्यवाद।